वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज तकरीबन हमारे 8 से 10 कनाडा के वीज़ा लग के आए हैं, अप्रूवल्स आई हैं वीज़ा की, और इसके बाद हमने तमाम भाइयों को भी अपडेट कर दिए जिनकी अप्रूवल्स आई हैं। अब सबके हम दोबारा से अपॉइंटमेंट्स लेके VFS ग्लोबल में सबमिशन करवाएंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस लोगों के जहनों में होंगे, उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। देखें, कनाडा का प्रोसेस इस टाइम करंट सिनेरियो के अंदर बहुत ज़्यादा और बहुत आसान चल रहा है। कनाडा इस टाइम वीज़ा भी बहुत ज़्यादा दे रहा है, फ्रेश पासपोर्ट भी दे रहा है। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी पहले से रिफ्यूज़ल लगी हुई थी, उनके वीज़ा लगे हैं, कुछ फ्रेश पासपोर्ट पर हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी थी, इवन US का वीज़ा लगा हुआ था, उनकी भी रिफ्यूज़ल उनकी एक्सेप्टेंस हुई है, लेकिन रिफ्यूज़ल भी साथ में हुई है। ऐसा नहीं कि सारे ही जो हमने केस डाले हैं उनकी एक्सेप्टेंस हुई है, बीच में एक दो बंदे ऐसे भी हैं जिनकी रिफ्यूज़ल भी आई हैं। अब मैं एक चीज़ बताना चलूँ, किसी की वीज़ा लगे या रिजेक्ट हो, दोनों सूरतों के अंदर हम तमाम अपडेट दे देते हैं कि जी इस भाई की एक्सेप्टेंस हुई है, रिजेक्शन हुई, उस भाई को बुला के हर चीज़ बता भी देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कैनेडियन वीज़ा के लिए, पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, एमरेट्स आईडी कॉपी, पिक्चर, NOC 3 मंथ स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हों तो आप कैनेडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे एक और चीज़ बता चलूँ, सबसे पहले आपने ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पर जाके डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करना होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग होती है, उसके बाद आपने इसकी पेमेंट करनी होती है, $185 जो एम्बेसी की फीस होती है वो आप पे करते हो। उसके बाद ही आपको अगर अपना स्टेटस देखते हो तो वो कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे थे कि आपने अपना फाइल आपकी सबमिट हो गया। उसके बाद आप इसकी अपॉइंटमेंट लेते हो फिंगरप्रिंट्स के लिए, फिंगरप्रिंट्स 10 ईयर्स तक के लिए वैलिड रहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बता चलूँ, किसी भाई की पहले रिफ्यूज़ल लग गई हो कैनेडा की, तो वो 10 साल के अंदर उसको फिंगर्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शन आती है कि अगर आप अगेन फिंगर्स बायोमेट्रिक्स देना चाहो तो आप अगेन दे सकते हो। अब नंबर सेकंड, आपका पासपोर्ट सबमिट नहीं होता, आपने जाना VFS ग्लोबल, वहाँ पे जाके आपने बायोमेट्रिक्स करवाने होते हैं और पासपोर्ट आपको रिटर्न आ जाता है। फिर एम्बेसी अपना टाइम लेती है, जो भी एम्बेसी का टाइम होता है, 1 मंथ, 1.5 मंथ, जो भी एम्बेसी का टाइम होता है वो उसने एम्बेसी ने टाइम लेना होता है। उसके बाद दोबारा से आपकी एक्सेप्टेंस की मेल आती है कि जी आपका वीज़ा लग गया, तो आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएं। उसमें क्या होता है, दोबारा से आप एक अपॉइंटमेंट बुक करते हो। पहले अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम नहीं था, विदाउट अपॉइंटमेंट जाके आप अपना पासपोर्ट सबमिट करते थे और वीज़ा लग के आ जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब दोबारा से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के बाद आप VFS ग्लोबल में जाके अपनी अपना पासपोर्ट सबमिशन करवाते हो और विद इन 15 to 20 days आपका वीज़ा लग के आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंसल्टेंट और एजेंट भी नीचे कमेंटिंग करते हैं, तो वो हमें पता चल जाता है कौन बंदा क्या कर रहा है, तो वो कहेंगे जी नहीं, 5 दिन में, 7 दिन में आ रहा था। पहले 1 week में भी रिजल्ट आते थे, स्टिकर लग के आ रहे, 2-3 दिन में भी स्टिकर लग के आ जाता था। सम टाइम कुछ केसेस के अंदर भाई 15 से 20 दिन लग रहे हैं। मेरे जो क्लाइंट्स के केसेस हुए हैं उनके तकरीबन 15-20 दिन लगे। मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, मेरा जो वीज़ा लग के आया था, इवन मेरा USA और बहुत सारे वीज़ा लगे हुए थे पासपोर्ट पे भी, तो मेरा भी जो वीज़ा लग के आया था वो तकरीबन 18-19 दिन लग गए थे पासपोर्ट डिस्पैच होते हुए। तो उसके बाद को RMX के थ्रू आपको दोबारा से वो पार्सल रिसीव होता है और आप उसको अनबॉक्सिंग करते हो और वीज़ा लेते हो और जाते हो कैनेडा में। कनाडा वीज़ा उतना ही देता है जितना आपका पासपोर्ट वैलिड होता है। अगर 1 साल का पासपोर्ट वैलिड है, 1 साल का, मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा पासपोर्ट 2 साल बाद एक्सपायर हो रहा है तो हम पासपोर्ट रिन्यू करवा लें, पासपोर्ट रिन्यू करवा लें। तो मैं कहता हूं कि आपको चाहे 1 दिन का वीज़ा मिल गया कनाडा का, आपको वीज़ा ही चाहिए था, वीज़ा मिल गया आपको, आपने 10-10 साल के वीज़े लेके क्या करना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो एम्बेसी आपको पहली बार में वीज़ा दे सकती है वो सेकेंड टाइम नहीं क्या देगी। अजीब मुझे लोगों की जो मेंटालिटी है वो समझ में नहीं आती है, कहते हैं जी हम नया पासपोर्ट बनवाएंगे, जो हमारा 3 साल पासपोर्ट वैलिड है उसको एक्सपायर करते हैं, किस तरीके से लॉस्ट करते हैं, जो भी हम नए पासपोर्ट पे वीज़ा लेंगे। तो भाई पासपोर्ट आपके पास कुछ भी हो, 6 महीने हो, 8 महीने, 10 महीने हो, आपको उतना वीज़ा लग के आ जाएगा। जब नया पासपोर्ट बनेगा तो आप दोबारा से वीज़ा रिन्यू करवा लेना, इसमें यही है। बाकी तमाम अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, रेड टॉपिक पर ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।